सीहोर जिले के शासकीय सिविल हॉस्पिटल इछावर में नर्स द्वारा मरीजों के साथ बदतमीजी और विवाद करने का मामला सामने आया है। दरअसल खजूरिया निवासी पवन सिहाड़ा अपनी मां को रेबीज के इंजेक्शन लगवाने इछावर हॉस्पिटल आए थे, तभी नर्मदा नाम की नर्स आकर अचानक बदतमीजी, गाली गलौज एवं मारपीट करने लगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रबंधन ने नर्स नम्रता को पुलिस के हवाले कर दिया। बीएमओ इछावर डॉक्टर बीबी शर्मा का कहना है कि पहले भी इनकी शिकायत हमारे पास आई थी, नर्स की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। नम्रता को हमने आज सुबह ही ड्यूटी से हटाया था। अग्रिम कार्यवाही के लिए कुछ अधिकारियों को अनुशंसा की गई है। शीघ्र ही मामले की जाँच की जाएगी। समथिंग 10:30 बजे के समथिंग यहाँ पर इंजेक्शन लगवाने के लिए आए थे, रेबीज का टीका। तो जैसे ही वो सिस्टर अंदर थी, हमने उनसे बोला इंजेक्शन लगवाने के लिए, तो वो मुझे पकड़ के अंदर लेके गई, बोला देखो तुम लोगों ने हमारी शिकायत करी, 181 भी ये किया वो किया। फिर मैंने बोला कि हमें शिकायत से मतलब नहीं, हमें सिर्फ इंजेक्शन लगवाना है। उसके बाद वो मेरे से बदतमीजी पर उतर आई और गालियाँ देने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने कुछ बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो मेरी कॉलर वगैरह पकड़ ली, मुझे मारने लगी, फिर लगभग सभी ने छुड़ाया। अच्छा, आपने क्या शिकायत की थी? नहीं, मैंने कुछ शिकायत नहीं की थी, वो मतलब पहले से ही उसकी किसी ने 10 से 12 शिकायत करके रखी हुई है यहाँ पर हॉस्पिटल। अच्छा। में तो वो उस वजह से शायद उसका मेंटल। अच्छा, क्या नाम है उनका? नाम नहीं पता। अच्छा, आपको नाम नहीं पता। वो जो सिस्टर है जिसके बारे में आप कह रहे हैं, नम्रता उसका नाम है, और वो सिस्टर को हमने ड्यूटी से हटा दिया है। यहाँ ड्यूटी पे नहीं, ड्यूटी पे दूसरी सिस्टर है, और इसलिए कुछ दिनों से उसकी शिकायत आ रही थी। इंजेक्शन रूम में उसकी पोस्टिंग की थी, तो मेरे पास कुछ लोगों ने शिकायत की कि वो इंजेक्शन लगाती है, मिसबिहेव करती है, इस तरह की शिकायतें एक दो दिन से मेरे पास आई। कल कुछ शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में भी हुई थी, तो इसको देखते हुए आज मैंने उसे सुबह से ड्यूटी से हटा दिया था कि आप ड्यूटी ना करें, और दूसरे की ड्यूटी लगा दी थी, और दूसरी सिस्टर ड्यूटी कर रही है अभी भी। परंतु अचानक वो कहीं से आ गई और उसने आके विवाद किया। जो प्रथम दृष्टया जो मुझे लगता है, इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भी पत्र लिखे हैं पिछले 7-8 दिन में, मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से शायद वो बीमार है। सर, अगर मानसिक रूप से बीमार है तो सर क्यों उनको ड्यूटी नहीं करना चाहिए? तो हटाया। अगर सर घटना घटती है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन? अगर अस्पताल परिसर, मैंने आपको इसीलिए पहले सबसे पहले ही बोला कि उसको ड्यूटी से मैंने, सर ड्यूटी क्यों कर रही है जब भी यहाँ अस्पताल परिसर में रहती है? आप किसी को आने से थोड़ी रोक सकते, यहाँ से हटा दिया है। परंतु सर आप उनको ड्यूटी करने से तो रोक सकते हैं ना, कि आप ड्यूटी नहीं करेंगे? नहीं, मैंने ये वो जिम्मेदारी तो सर आप ही की बनती है ना सर, ये मैं बोल चुका हूँ, किसी को अंदर आने से थोड़ी रोक सकता। मैंने पुलिस के द्वारा बुलाया, पुलिस को बुलाया कि आ गई, हमने इसको ड्यूटी से हटा दिया, फिर भी ये आ गई अंदर। तो विवाद के बाद आई ना पुलिस, जब विवाद हुआ उसके बाद आई पुलिस। तो अंदर अगर कोई आ जाता है अस्पताल के अंदर, तो उसको रोकने का मुझे अधिकार नहीं है। नहीं सर, वो एक मानसिक रोगी है, किसी को रोक सकता हूँ। वो एक मानसिक रोगी है, आप ये भी बता रहे हैं। हाँ, और वो ड्यूटी कर रहे हैं, तो ड्यूटी करने मानसिक रोगी प्रतीत होती है, अभी पता चला है ऐसा। सर ड्यूटी से कब हटाया? प्रतीत होती, मैं किसी को मानसिक रोगी नहीं बोल रहा हूँ। सर कब हटाया ड्यूटी से? मैंने आज ड्यूटी से मना कर दिया उसको, आज सुबह ही हटा दिया। तो ये घटना जो हुई उसके पहले हट चुकी थी, वो सुबह 9 बजे उसको ड्यूटी से मना कर दिया था। कहाँ पदस्थ किया था सर उसको? उसको पदस्थ नहीं किया, मैंने मना कर दिया, क्यों कहीं भी पदस्थ करते वहां भी बात होता है। सर, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? मैंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इस संबंध में पूर्व में ही लेटर लिख दिया है, क्योंकि इसका आभास मुझे था, और जल्दी उस पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। सीहोर से कवि छोकर की रिपोर्ट।